नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं एस्ट्रोलॉजर मनीषा कौशिक थोड़ा सारिआं दा ज्योतिष ते सब तो खास ते पॉपुलर शो तुहाडे सितारे पीटीसी दे उत्ते तहे दिलों स्वागत करती हां। अपने मेंटोर, अपने गाइड, अपने फादर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा जी दी गाइडेंस नाल मैं डिस्कस करूंगी दिन दा पंचांग ते राशिफल। सब तो पहला अज दा पंचांग। अज है 16 जनवरी 2023 ते दिन है मंडे यानी सोमवार। कृष्ण पक्ष नवमी तिथि रहेगी शाम दे 7:13 तक। अज गंडमूल ते पंचक दा कोई योग नहीं होएगा। गल करिए राहु काल दी ते सवेर दे 8:32 तो लैके सवेर दे 9:51 तक राहु काल दा समा है। एक होर इनऑस्पिशियस टाइम जिन्हों की यमगंधम काल कहिंदे ने, जिहदे विच वी कोई जरूरी काम करना जे अवॉइड कर दिता जावे ते बेहतर हुंदा है, ते वह समा रहेगा सवेर दे 11:10 तो लैके दोपहर दे 12:29 तक। ते अज जे जरूरी काम करना है ते अज वास्ते शुभ समा जेड़ा है वह रहेगा दोपहर दे 3:13 तो लैके शाम दे 5:50 तक। एरीज यानी मेष राशि वाले वास्ते सितारे कहते हैं कि तुहानू अज टाइम मैनेजमेंट दे उत्ते ना थोड़ी जी क्लासेस ले ही लैनिया चाहिए ने। अपने टाइम नू, अपने समय नू टाइमली यूटिलाइज करना जरूरी होएगा। कितने ना कितने एफिशेंसी च भी फर्क पै सकता है जे इसे टाइम नू मैनेज ना किया जाए तो। अपने करियर फ्रंट के उत्ते भी थोड़ा जा तुसी आज अलर्ट होकर रहना है। हो सकता है कि कई लोग जिहड़े ने वो थोड़ी काबिलियत दा या थोड़े कम दा फायदा जिहड़ा है उठाने की कोशिश करन। जे तुहानू क्रेडिट नहीं भी मिलता तो अपने कम नू प्रेजेंट करन दे जिहड़े स्किल्स ने वो तुहानू सीखने चाहिए भी, ताकि जे तुहाडा कम तुहाडे कीता होया कम है ना उहदा क्रेडिट तुहानू ही मिले। कोई कानूनी मसले अच कोई कम जिहड़ा है फसिया होया सी, कोई रिजल्ट तुसी एक्सपैक्ट करके चल रहे सी, कोई लीगल इशूज जिहड़े ने जो उन्हां तो परेशान तुसी चल रहे सी, ते हुण अज उन्हां तो जुड़े हुए तुहानू फेवरेबल रिजल्ट जिहड़े है वो जरूर मिल सकते हैं। अज तुहानू बस एक गल का खास ध्यान रख के चलना है कि अपने इमोशन के उत्ते कंट्रोल करना है। कितने ना कितने इमोशनल कमिटमेंट जिहड़ियां ने महंगी पै सकदियां ने, इस करके कोई भी वादा करना है तो थोड़ा जा समय लैके सोच विचार करके ही तुहानू अगे वधना चाहिए। थोड़े वास्ते अज लकी नंबर रहेगा 18, लकी कलर रहेगा मैजेंटा। तो तुसी उपाय की करना है, एक बंद गोभी लेनी है, उन्हें 4 पीस इदा करने कि वह फुल की शेप जिहड़ा है वह नज़र आए, उन्हें उत्ते थोड़ी जी शक्कर पा के गऊ नूं पाना। चौरस यानी वृषभ राशि वाले वास्ते वधिया दिन नज़र आ रहे हैं। जिहड़े भी काम नूं हाथ पाओगे काम ऑलमोस्ट थोड़े सही तरीके नाल ते चंगे रिजल्ट्स नाल थोड़े कंप्लीट हो ही जाने हैं। अपनी बोलचाल नूं, अपनी बातचीत जिहड़े करन दे तरीके ने बहुत सिंपल रखना है। कई बार हुंदा ना कि आपां इंटरव्यू ते जा रहे हैं, आपां फड़ फड़ करके इंग्लिश बोलन की कोशिश कर रहे हैं। जिन्ना तुसीं अपने आप नूं शांत रह के अपने शब्दों के उत्ते कंट्रोल, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन के उत्ते कंट्रोल तुसीं जिन्ना करके चलोगे तुहानूं उन्ने वधिया रिजल्ट्स जिहड़े ने अज मिल सकते हैं। फाइनैंशली वी गेन्स वाला दिन नज़र आ रहा है, तो पैसा एक्सपैक्ट कर रहे सी, कोई भावें पी एफ का पैसा सी, कोई पेंशन का कोई कितने केस फसया होया सीगा, तो वह पैसा रुकिया होया धन जिहड़ा है वह तुहानूं मिल सकता है। रियल एस्टेट जो इनवैसट करना चाहते हो तो थोड़े वास्ते दिन अज लक्की रहेगा। अज का दिन खासकर प्रॉपर्टी डीलर वास्ते भी काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा, चंगे क्लाइंट्स तुहानूं मिल सकते हैं, थोड़ा काम जिहड़ा है वह बढ़ सकता है। स्टूडेंट्स जिहड़े ने वो भी काफ़ी एनर्जेटिक महसूस करेंगे, कोई रिजल्ट तुसी एक्सपैक्ट करके चल रहे हो तो रिजल्ट थोड़े फेवर चाहिए। थोड़े वास्ते अज लकी नंबर रहेगा 5, लकी कलर रहेगा लाइट ग्रीन। तो तुसी उपाय की करना है, शिव चालीसा का पाठ करना थोड़े वास्ते रहेगा सब तो शुभ। जमिना यानी मिथुन राशि वाले वास्ते सितारे कहते हैं कि कोई पास्ट इन्वेस्टमेंट किया, कोई पहला टाइम जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हूँ तो चंगे रिजल्ट थोड़े वास्ते लैके आ सकता है। थोड़े वास्ते फाइनैंशियल गेन्स अज जरूर नज़र आ रहे हैं। अज तुसी अपनी सेहत का खास ध्यान दे के चलना है। जे ऑलरेडी कोई सिर दर्द की या बॉडी पेन्स की शिकायत चल रही थी तो थोड़ी जी डॉक्टरी सलाह भी ले लेनी चाहिए है। अपने उत्ते आप एक्सपेरिमेंट करन तो तुहानू जरूर बचना चाहिए है। घर माहौल जिहड़ा है चंगा रहेगा, तुसी अपने घर के वड्डियां तो कोई सपोर्ट एक्सपैक्ट कर रहे थे तो वह सपोर्टिव रहेंगे। किसी इंपोर्टेंट डिसीजन कोई तुसी लेना चाहते हो तो एज अ फैमिली तुहानू वो डिसीजन हुण लैण च आसानी होएगी। अज बस एक गल का खास ध्यान रखना है, खासकर जे लव फ्रंट के उत्ते नींद पूरी लेनी है। जे नींद पूरी ना लेती तो कितना कितने थोड़ी एफिशिएंसी या थोड़ी प्रोडक्टिविटी कल दे दिन वास्ते अफेक्ट हो सकती है। थोड़े वास्ते लकी नंबर रहेगा 2, लकी कलर रहेगा स्काई ब्लू। तो तुसी उपाय की करना है, किसी भी जरूरतमंद नूं स्पेशली अज ऑरेंज कलर के कपड़िया का दान दिता जाए तो दिन काफ़ी शुभ बन सकता है। कैंसर यानी कर्क राशि वाले वास्ते अज मिलिया जुलिया दिन नज़र आ रहा है। कितों रिस्पोंस, कितों फीडबैक तुसी एक्सपैक्ट कर रहे सी, थोड़ी जी पेशेंस होर बना के चलन की लोड़ होएगी। ऑफिस च जिहड़ी परेशानियां चल रही सी हुण वह जरूर जे थोड़ी जी मेहनत से पुश किया जाए तो उन्होंने रिजल्ट तुहानू वधिया मिल सकते हैं।
ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਰਹੇਗਾ 5, ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਰਹੇਗਾ ਯੈਲੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਸਥਲ 'ਤੇ 5 ਪੀਲੇ ਫਲ ਅਤੇ 5 ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇਗਾ ਸ਼ੁਭ। लियो यानी सिंह राशि वालों वास्ते सितारे कहते हैं कि ऑफिस जिहड़े डिसीजन जो तुहानू कुछ टफ डिसीजन क्यों ना लेने पै रहे होण, तुहानू चंगे रिजल्ट उत्थों मिल सकते हैं। जिहड़ी चीज़ां पहला मुमकिन नहीं नज़र आ रही सी, हुण लोकां दे सपोर्ट नाल तुहाडे वास्ते ओह मुमकिन होणगीआं। फैमिली नाल, फैमिली तों वी तुहानू इमोशनल सपोर्ट जिहड़ा मिसिंग सीगा ओह मिलदा होया नज़र आ रहा। छेती तुसीं अपने बिल्स या पेंडिंग लोन दा भुगतान जिहड़ा है ओह करन पाना हुण तुहाडे वास्ते मुश्किल जिहड़ा आसान होएगा। फाइनैंशियल सिचुएशन तुहाडी हुण कंट्रोल च आउंदी होई नज़र आ रही है। फाइनैंशियल स्टेबिलिटी भी तुसीं हुण बना पाओगे। अज जिहड़ी है बस अपने बॉडी च जिहड़ी है ओह किसे भी नैगेटिव अप्रोच तों तुहानूं अपने आप नूं बचा के रखना चाहिए। कोशिश करना है कि इस पॉजिटिविटी नाल, क्योंकि सारे काम जिहड़े रुके हुए काम है हौली हौली हुंदे ही जा रहे हैं, तो इस पॉजिटिविटी नूं मेनटेन करके चलना है। तो स्पेशली वो संगत, वो लोग जिहड़े सिर्फ बह के नैगेटिव गल्लां ही करते हैं ना, अज उन्हां तों भी दूरी बना के रखनी है। तुहाडे वास्ते अज लक्की नंबर रहेगा 7, लक्की कलर रहेगा पर्पल, ते तुसीं उपाय की करना है, एक छोटा जिहा चांदी का सिक्का जो सारा दिन अपने कोले रखिया जाए तो दिन काफ़ी शुभ बन सकता है। वर्गो यानी कन्या राशि वालों वास्ते वधिया दिन नज़र आ रहे हैं। तुहाडे कलीग्स जिहड़े ने, जिहड़े लोग तुहाडे नाल काम करते हैं, वो तुहाडे तो काफ़ी इंप्रैसड महसूस करनगे। तुसीं अपनी एक नवी छाप जिहड़ी है, एक काफ़ी पावरफुल छाप तुसीं उन्हां उत्ते छड्ड सकदे हो। अज जे तुसीं बिजनेस भी कर रहे हो तो तुहाडे बिजनेस पार्टनर कोलों भी तुहानूं सपोर्ट मिल सकता है। किसी गल पिछे जे हल्दे डिस्प्यूट चल रहा सी या तुसीं एक दूजे नाल अग्री नहीं कर पा रहे सी, तो वह अग्रीमेंट तुहानूं देखण नूं मिल सकदा है। चंगी सेहत नूं मेनटेन करन वास्ते अपनी डाइट च एक छोटा जिहा बदलाव करना जरूरी होएगा। हुण इह बदलाव की है, इस बारे अपने आप बह के तुसीं विचार करना है। जे किसी प्रोफेशनल तों डाइट की काउंसलिंग लिती जाए, गाइडेंस लिती जाए, तो तुहाडे वास्ते काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। रियल एस्टेट च इनवैसट करन वास्ते भी तुहानूं चंगी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकदी हैं, पर अपना पैसा कित्थे लाना है एक बार सोच विचार के सारे उहदे प्रोज एंड कॉन्स एक पेपर दे उत्ते लिख के ही तुसीं वड्डी अमाउंट इनवैसट करनी है। अज तुहाडे वास्ते लक्की नंबर रहेगा 5, लक्की कलर रहेगा पिंक, ते तुसीं उपाय की करना है, किसी भी धर्मशाला च जे स्टील दे बर्तना दा दान दिता जावे तो दिन काफ़ी शुभ बन सकदा है। लिब्रा यानी तुला राशि वालों वास्ते सितारे कहते हैं कि अज तुहानूं कोई नवी रिस्पोंसिबिलिटीज़ मिल सकदी हैं। बिजनेस च कोई सपोर्ट मिसिंग सी, तुसीं तुहानूं किसी तरीके की किसी की हैल्प चाहिए सी, कोई इनफ्लुएंशियल कॉन्टैक्ट की तुहानूं जरूरत सीगी, तो वह सारे काम अज तुहाडे हो सकते हैं, सिर्फ तुसीं एक बार दोबारा फॉलोअप करना शुरू करना है। जे तुसीं चंगी सेहत मेनटेन करना चाहते हो तो तुहानूं स्ट्रैस तो दूर रहना है। हुण बड़ी अजीब गल है, स्ट्रैस तो सब की लाइफ का पार्ट है ही, उन्हें तो दूर रहा किवें जावे, उन्हें किसी भी चीज़ बारे जो बार बार सोचांगे तो स्ट्रैस बिल्ड होएगा। ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਰੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁਣ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਰਹੇਗਾ 17, ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਰਹੇਗਾ ਔਰੇਂਜ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਰਫਿਊਮ ਹੋਵੇ, ਰੂਮ ਫਰੈਸ਼ਨਰ ਹੋਵੇ, ਇਤਰ ਹੋਵੇ या अगरबत्ती हो, कोई भी चीज़ का इस्तेमाल जो करना शुरू करते हो तो जो स्ट्रैस की गल मैं कर रही थी ना, उन तो काफ़ी हद तक थोड़ा फ्रीडम मिल सकता है। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों वास्ते वधिया दिन नज़र आ रहे हैं। अज रिश्तेदारां नाल मेल मिलाप बढ़ सकता है, किसी नाल बहुत समय तो गल नहीं हुई है तो उन्होंने जी है वो डिस्कशन या कोई कॉन्वर्सेशन जी है, गलबात जी है, दोबारा शुरू हो सकती है। ऑफिस वास्ते, ऑफिस चो भी दिन कोई खुशखबरियां लेके आ सकता है, कोई नवा कॉन्ट्रैक्ट होवे, नवा प्रोजेक्ट होवे, किसी तरीके का नवा काम होवे, वो तुहानू मिल सकता है। अपने जिहड़े स्टूडेंट्स ने हुणे हुणे कॉलेज पास आउट किया है या तुसी कोई इंटर्नशिप वास्ते अप्लाई कर रहे हो तो तुहानू नवी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकदियां ने। ऑप्शनस नू एक्सप्लोर करन दा मौका भी मिल सकता है, किसी इहो जे शख्स नाल मुलाकात हो सकती है जिहड़े कि तुहानू करियर वास्ते तुहानू नवे ऑप्शनस तुहानू सुजैसट करे। बिजनेस वास्ते कोई फॉरन ट्रिप भी अज प्लान किया जा सकता है। तुहाडे वास्ते लक्की नंबर रहेगा 8, लक्की कलर रहेगा वाइट, ते तुसीं उपाय की करना है, गऊ नूं भिजे हुए चने ते गुड़ पाना। सैजिटेरियस यानी तुहानूं राशि वालियां वास्ते वधिया दिन नज़र आ रहा है। वर्क प्लेस के उत्ते खासकर थोड़ी जिहड़ी हेल्पफुल नेचर है ना, वो तुहानूं काफ़ी फेमस कर सकती है। तुहाडे कलीग्स नूं थोड़ी मदद की जरूर जरूर पेगी, तो कोशिश करनी है कि तुसीं जिन्नी उन्हां दी हैल्प कर सकते हो
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਾਇੰਡਨੈਸ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪਰਸਨਲ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਨੂੰ, ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਅਣਬਣ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਾਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਰਹੇਗਾ 7, ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਰਹੇਗਾ ਔਰੇਂਜ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕੈਪਰੀਕੋਨ ਯਾਨੀ ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਓਵਰ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਕਰਬ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਓਵਰ ਕੋਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪੌਜ਼, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੌਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗਰੋਥ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਜੇ ਪੈਸਾ ਅੱਜ ਲਾਉਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਊਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਪ ਪਲਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੋਵੇਂ ਐਸਪੈਕਟਸ ਦਾ ਟੁਗੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਰਹੇਗਾ 15, ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਰਹੇਗਾ ਗੋਲਡਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ। ਐਕਵੇਰੀਅਸ ਯਾਨੀ ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਪਾਥ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਵਧੋਗੇ, ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਮ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੰਮ ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਤਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਚ ਇੰਨੇ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਦੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗਰੋਥ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦਾ ਕੀ? ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਨਮੁਟਾਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਐਫਰਟਸ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰੰਟ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਸਅਗਰੀਮੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦੇਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਰਹੇਗਾ 6, ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਰਹੇਗਾ ਕਰੀਮ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਚੋਕਲੇਟ ਅਤੇ ਟੋਫੀਜ਼ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਸ਼ੁਭ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਖਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਈਸਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਨ ਦੀ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗਰੋਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮਾਇੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਲੁਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਆਫਿਸ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਰਿਟੀ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰੰਟਰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਓਵਰਆਲ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੋਂਡਿੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੀ ਨੰਬਰ ਅੱਜ ਰਹੇਗਾ 1, ਲੱਕੀ ਕਲਰ ਰਹੇਗਾ ਵਾਈਟ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਪਾਅ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਹਾਉਣ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਪੱਤੀਆਂ, ਸਫੇਦ ਚੰਦਨ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ੀਫਲ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂਗ ਦੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਮਨੀਸ਼ਾ ਕੌਸ਼ਿਕ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।